Nah, berasa tuh kan. आज जेके कल्चरल रेवोल्यूशन की तरफ से यहाँ दो फिल्मों का लॉन्च हुआ है, एक डॉक्टर सतीश वर्मा जी ने लिखी है और एक फयाज़ दिलवर साहब ने लिखी है। जो सतीश शुमल जी की फिल्म है उसका नाम आशियाना है और फयाज़ दिलवर साहब ने द फ्रोजन टाइम्स लिखी है। आज हम इन दो फिल्मों का लॉन्च कर रहे हैं और बहुत जल्द हम इनकी शूटिंग भी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक फिल्म शूट कर रहे हैं, सेट पे जा रहे हैं। तो आज यही था कि यहाँ पे कश्मीर में ऐसा अभी तक हुआ नहीं है कि फिल्मों का लॉन्च होता है, फिल्मों के हवाले से कुछ काम हुआ हो। हमने फिल्में बनाई है, मैंने अपनी पहली फिल्म 2014 में करी थी, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से करी थी। हम उठे थे, अपनी टीम को लेके मैं गया था, शूट किया था, तो दैट्स ऑल। लेकिन अब चूंकि यहाँ का जो फिल्म का कल्चर है वो बढ़ता जा रहा है, लोग फिल्मों की तरफ आ रहे हैं अब। और यहाँ एक और अच्छी बात हो गई है, यहाँ एक मल्टीप्लेक्स भी शुरू हो गया है। तो उस हवाले से हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि अगर हम अपनी फिल्म बनाते हैं, कम से कम हमें रिलीज़ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया। हमारी एक और मतलब रिक्वेस्ट ये भी है कि ये मल्टीप्लेक्सेस कम से कम और डिस्ट्रिक्ट्स में भी खुलें। तो जहाँ तक फिल्मों की बात है, मैं कहानी के हवाले से अभी तक नहीं बता पाऊँगा कि कहानी क्या है। हाँ, ये है कि हम अपनी कहानी जो है कश्मीर की कहानी लेके आ रहे हैं इन फिल्मों में। हमारा आर्ट एंड कल्चर जो भी है, हमारी जो तहजीब है, जो भी हम यहाँ पे हैं, हम इन फिल्मों के